अगर इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम खरीदना है तो मैं हमेशा ऑनलाइन से ज्यादा ऑफलाइन स्टोर प्रेफर करता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम सस्ते नहीं होते तो जांच कर देख कर टटोलता हूँ, तब सेटिस्फेक्शन मिलता है। वरना ऑनलाइन में तो बस फोटो देखो बस, कभी कलर अलग आ जाता है, कभी मॉडल अलग आ जाता है, तो कभी कभी सामान ही अलग आ जाता है। और अगर मुमरा में इलेक्ट्रॉनिक का सबसे बेस्ट शोरूम है तो सिर्फ और सिर्फ कोहिनूर इलेक्ट्रॉनिक्स, क्योंकि कोहिनूर इलेक्ट्रॉनिक्स का शोरूम में लगभग हर ब्रांडेड इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स मिलेंगे। याद रखे, कोहिनूर इलेक्ट्रॉनिक का नया शोरूम अब कौसा कब्रिस्तान दोस्त अपार्टमेंट के पास नहीं, ओल्ड नशेमन कॉलोनी में है। सबसे बड़ी बात, कोहिनूर इलेक्ट्रॉनिक में बाय वन प्रोडक्ट एंड गेट वन अशोर्ड फ्री गिफ्ट का ऑफर चल रहा है। एक बार जरूर कोहिनूर इलेक्ट्रॉनिक विजिट करिए, ओल्ड नशेमन कॉलोनी, डॉक्टर ददन के पास, मुमरा। एक 50 गाड़ी पकड़ेंगे तो 30 गाड़ी अनलीगल है, हर गली में आज कचरा है। मुमरा के साथ भेदभाव मत करो। इलीगल गाड़ी हम मुमरा में चलने नहीं देंगे, ये हमारा उनसे संदेश है। या वो धमकी समझे और या चाहे वो मिलती समझे। तो रोड के किनारे ही क्यों कचरा आप कलेक्शन पॉइंट बनाए हो? कचरा लाने वालों को कान के नीचे देना मन से जानती है। हम लोग गाड़ी खड़ा नहीं करेंगे ना तो फिर लोग रोड पे कचरा डालेंगे, वहाँ पे खुद डाल लेना रोड। यहाँ गाड़ी पेपर क्लियर है आता दाखवा। तुम्हारा माहित है त्याचा काय काय डॉक्यूमेंट है? नहीं का नहीं माहित सर, सुपरवाइजर है। कोई उसकी प्रथा तो नहीं चल रही ना, कचरा वो वहाँ रखा जाए तो वहाँ रखेंगे हम। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। इस समय मौजूद है मुमरा के तनवर नगर पर और आपको बताएंगे कि यहाँ पर किस तरह से कचरा रोड पर डाला जा रहा है। और जब गाड़ियाँ यहाँ से कचरा उठाती हैं, बताया जा रहा है कि गाड़ियों की जो है वो किसी का फिटनेस नहीं है, किसी का और कुछ नहीं है, मतलब बताया जा रहा है इलीगल तरीके से गाड़ियाँ भी चल रही हैं, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। कई राजनीतिक पार्टियाँ जो है यहाँ पर अब तक आंदोलन कर चुकी हैं कि यहाँ तनवर नगर हो गया, मित्तल के पास हो गया, रोड पर कचरा ना डाला जाए। आज देखेंगे तमाम मनसे पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँचे हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि रोड के किनारे कचरा ना डाला जाए और जो गाड़ियाँ जो डंपर वगैरह हैं जो उठाने का काम करती हैं कचरा, वो उनमें भी काफ़ी खामियाँ हैं। हम बात करेंगे, क्या नाम है सर आपका और आप लोग यहाँ पर आज विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या बताएं? मेरा नाम दत्ता खरमाटे है, मैं रेती बंदर से हूँ। मैं बचपन से मुमरा में रहता हूँ। तो मुझे ये कचरे के बारे में ये करना था कि कचरे के बारे में सब आंदोलन होते हैं लेकिन आज तक कोई उसका सुझाव हुआ नहीं है आज तक, तो क्यों किसके दबाव में हो रहा है? सब गाड़ियाँ अनलीगल है, महापालिका हमारे मुमरा रेती बंदर कलवा में क्यों नहीं देख रही है? बाथरूम, पूरे बाथरूम रेती बंदर के हमने पूरे देखे, सर्वे किया, पूरे बाथरूम गंदगी है। सम्माननीय अपने एकनाथ शिंदे जी मुख्यमंत्री है अपने, कभी नहीं तो अपने थाने के लिए खूब बहुत अच्छा ये हुआ है। तो उन्होंने बोला था कि 5 बार बाथरूम जो है साफ किए जाएंगे, कचरा बराबर ये किया जाएगा। तो ऐसा कौन सा कॉन्ट्रैक्टर है जो कि किसी के दबाव के नीचे आके सब गाड़ियाँ सब इनलीगल चला रहा है? कम से कम समझो, एक 50 गाड़ी पकड़ेंगे तो 30 गाड़ी अनलीगल है, ये मैं खुद दिखा सकता हूँ। ये बोलेंगे कि नहीं है तो 30 गाड़ियाँ मैं दिखा सकता हूँ, मैंने खुद देखा है, सर्च किया है। तो क्यों ऐसा, क्यों मुमरा के लिए ऐसा क्यों खिलवाड़ किया जाता है? बच्चे लोग है, कुछ है, अगर किसी को ठोक दिया, कोई मर गया, इसका जिम्मेदार कौन है? वो कॉन्ट्रैक्टर है कि महापालिका है कि आयुक्त है कि मुमरा प्रभाग समिति है? इसका हमको उत्तर चाहिए। और ये एक तरफ जहां ठाणे महानगर पालिका स्वच्छता अभियान चला रही है, वहीं दूसरी तरफ सड़कों पर इस तरह से कचरा डंप किया जा रहा है, उसको लेकर क्या है? वो सब बीमारी भी फैल रही, वो सब दिखावा है। आज मैं बोल रहा हूँ, मैं मुमरा में छोटा हूँ, छोटे से बड़ा हो गया हूँ आज तक। मैं महाराष्ट्र सैनिक हूँ, मुझे महाराष्ट्र सेना का बहुत कार्य अच्छा लगा इसलिए मैं उसमें गया हूँ। तो मुझे ये कहना कि मुमरा छोड़ो, रेती बंदर चलो, मुमरा में चलो, हर गली में आज कचरा है, मैं दिखा सकता हूँ। हर गटर पूरा भरा हुआ है, गटर में पूरे पानी का पाइपलाइन गया है। महापालिका क्यों नहीं देख रही है? पैसे टैक्स वसूल नहीं करती हमसे, हमारे घर पे आके टैक्स वसूल करती है, पानी का टैक्स वसूल करती है, फिर क्यों पानी अच्छा क्यों नहीं दिया जाता? ये कचरा ऐसा क्यों किया, क्यों डाला जाता है, किसके इसमें दबाव में डाला जाता है, इसका कौन है? अगर आज 18 नगर सेवक मुमरा में है, कौन क्यों नहीं बोलता है यहाँ पे? क्यों नहीं बोल रहा है? किसका दबाव है कि सबको ऐसा ये किया हुआ है कि किसी का दबाव होगा उनके उन पे ऊपर, तो किसी का दबाव नहीं होगा? क्यों 18 नगर से वो बोलते नहीं कि पानी अच्छा नहीं आ रहा है? हम दिखा सकते हैं आपको कि आज शाम को पानी भरो, आज सुबह आप दिखाओ बॉटल में, अगर पानी में गंदगी नहीं निकली हमको बोलो, हम सब देख के आए हैं। और पहली बात तो ये है कि कचरे वाली जितनी गाड़ियाँ है सब अनलीगल है, वो जल्द से जल्द नई गाड़ियाँ डाले, ना कि मुंबई की भंगार गाड़ियाँ उठा के यहाँ पे डाले।
मुमरा के साथ भेदभाव मत करो, इतना ही चाहता हूँ। इरफान भाई आप क्या कहेंगे? लेटा दो। मैंने थाना महानगर पालिका को और परिवहन समिति को और आईटीओ को मुमरा में मैंने लेटर दिया है ये, और ये मांगनी किया है कि 8 दिन में ये जो इलीगल गाड़ियां चल रही हैं वो हटाई जाए। अगर नहीं हटाई जाती हैं तो 2 दिन और हम देते हैं, 10वें दिन हम ये गाड़ियों को चलने नहीं देंगे मुमरा में। ये हमारा उनसे संदेश है, या वो धमकी समझे और या चाहे वो विनती समझे, इलीगल गाड़ी हम मुमरा में चलने नहीं देंगे। दूसरी चीज़ ये बता दें कि यहाँ पर तनवर नगर में जिस तरीके से रोड पर कचरा डाला जा रहा है, अगर ये कचरा भी नहीं हटाया जा रहा है ना, तो इसके बारे में भी हम यहाँ पर कचरा लाने वालों को फिर हम उनको कान के नीचे अच्छे से देना मन से जानती है फिर अच्छे तरीके से। क्या रहेगा अगला जो है आप लोगों का कदम क्या रहेगा अगर यहाँ कचरा डालना बंद नहीं किया गया? जिस तरह से आप बता रहे हैं कि गाड़ियाँ जो है वह अवैध तरीके से चल रही हैं, अगर इस पर जो है रोक नहीं हुआ, इस पर कार्रवाई नहीं हुई, तो आप लोगों का अगला कदम क्या? हमने ये लेटर दिया है, वाहतु विभाग को दिया है, परिवहन विभाग को भी दिया है थाने में, और थाने महापालिका आयुक्त को भी दिया है। इन्होंने अगर ये कॉन्ट्रैक्टर जो भी होएगा, जो भी कचरे की गाड़ियाँ होएगी, उनके अगर एक्शन नहीं लिया तो हम रास्ते पे उतर जाएंगे, और हम हमारे तरीके से किया जाएगा, फिर हम हमारी तरीके से किया जाएगा कि कौन सी गाड़ी कैसी चलती है। ये हम आज ही बता रहे हैं, 8 से 10 दिन हम देखेंगे और उसके ऊपर कार्यवाही करेंगे। तो आपने सुना कि जो मनसे के तमाम कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर आज आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि ये तनवर नगर इलाके में देखेंगे रोड के किनारे ही मेन जो रास्ता है यहाँ पर ही लाकर कचरा डंप किया जाता है, और इनका साफ कहना है कि अगर जो आंदोलन ये कर रहे हैं इनकी सुनवाई नहीं हुई। सुपरवाइजर हैं यहाँ पर बापू मखरे, उनसे भी हम बात करते हैं कि उनका क्या कहना है यहाँ पर, क्योंकि कई बार बापू मखरे से भी कहा गया है कि कचरा यहाँ पर ना डाला जाए, लेकिन उसके बावजूद कचरा यहाँ पर डाला जाता है। बापू भाई, कितनी पार्टियाँ आंदोलन की और आपको भी मना किया गया कि यहाँ कचरा मत डालिए, उसके बावजूद 2 दिन आप गायब रहते हैं, कचरा नहीं डालते, फिर यहाँ पर डंप कर दे रहे इलाके कचरा? नहीं, ऐसा है कि ये कचरा यहाँ पर डंप किया नहीं जाता है। सबसे पहले तो ये कलेक्शन पॉइंट है, कलेक्शन पॉइंट 12-1 बजे या 2 बजे तक हम लोग ख़त्म कर डालते हैं। जो लोगों का जो गलत फहमी है कि यहाँ पे कचरा ला के डाल के डंप बज रहा है, अभी 12 बज रहा है, 12:10 है। हाँ, कितने बजे तक खत्म कर रहे? 2 बजे के अंदर। अब आपके सामने एक गाड़ी कचरा है। पापा भाई देखेंगे, मेन रोड है ना, ये पूरा मेन रोड है, मेन रास्ता है आने जाने का, तो रोड के किनारे ही क्यों कचरा आप कलेक्शन पॉइंट बनाए हो? कि यहाँ से लोगों का आना जाना होता है, इतनी गंदगी है यहाँ पर, जानवरों का भी इसमें वेस्टेड पार्ट वगैरह सब पड़ा हुआ है, आप लोग रोड के किनारे ही लाकर जो है यहाँ पर कचरा डंप कर रहे हैं। अभी हम MIM के लोग ने आंदोलन किया, आज मनसे के लोग भी आंदोलन कर रहे हैं। ये देखिए मनसे के लोग हैं यहाँ पर, आइए आप ज़रा, ये सुपरवाइजर हैं बापू मखरे, इनकी भी इन्हीं की जिम्मेदारी है यहाँ पर कचरा जो है डालना उठाना, यही सब करते हैं। इनसे पूछिए जरा कि कितनी बार इन्होंने कचरा डाला उठाया, कितनी बार लेटर दिया गया? अभी जैसा कि ये जो हमारे मनसे के भाई आए हैं यहाँ पे आंदोलन करने के लिए, और उन्होंने कहा इनका, कि इनका कहना है 10 दिन का टाइम है, अगर नहीं हुआ तो ये अपने स्टाइल में जवाब देंगे। तो अभी 10 दिन का टाइम दिया है, 10 दिन में हम लोग नगर पालिका से बात करेंगे और इंशाल्लाह दूसरी जगह हमको कहा तो म्युनिसिपैलिटी से मांगेंगे। बाबू भाई कई बार यही बात बोल चुके, कई बार मनपा ने भी लेटर दिया वहाँ मित्तल के पास में, गार्डन बना दिया, क्या हुआ वो गार्डन का? वो टॉयलेट लाके रखा है वहाँ पर, क्या हो रहा है उस टॉयलेट के साथ में? वो भी टूट रहा है, गार्डन पूरा खराब हो गया वहाँ पर, कचरों का गाड़ी जो है आप इतना गाड़ी खड़ा कर दिए वहाँ पर। वहाँ पे 1 या 2 गाड़ी खड़ा रहती है हमारी, वो भी RC है, क्योंकि अगर हम लोग गाड़ी खड़ा नहीं करेंगे ना तो फिर लोग रोड पे कचरा डालेंगे वहाँ पे, तो उसके लिए वो जो सोसाइटी के डब्बे वाले जो आते हैं, छोड़ो आप लोग खुद डाल लेना रोड, नहीं सोसाइटी के जो लोग आते हैं डब्बा लेके कचरा, गाड़ी का पेपर नहीं है, डॉक्युमेंट नहीं है, गाड़ीवाल्याचा लायसन्स नहीं है, गाड़ा ज्या गाड़ा आहेत आत्ता त्या गाड्यांचे सर्व डॉक्युमेंट एक्सपायरी झालेले आहेत, त्या गाडीचं मी काय वापरता येते?
अच्छा नाही आता इथे नाही म्हणले तर 80% गाड्या इनलीगल आहेत. अभी प्रशासन झोपलेलं आहे का? इन्होंने जो इन्होंने जो बात की अभी इन्होंने जो टाइम दिए अगर ये सुपर तुम्ही सुपरवाइजर आहे तो हम चलने नहीं देंगे गाड़ी. एक मिनट, तुम्ही सुपरवाइजर आहे मान्य, तुम्ही गाड्या चेक करून घ्यायला पाहिजेत, घ्यायला पाहिजे का नाही? सुपरवाइजरचं काय काम आम्हाला ते सांगा. तुम्ही जे गाड्या आहेत अनलिगल गाड्या तुम्ही का वापरता? एकाही जर रस्त्यामध्ये कुणाचं काय झालं तर त्याचा जिम्मेदार कोण? जे तुम्ही गाडी आता ड्रायव्हर ठेवलेत त्यांचे कुणाचे लायसन्स आहेत? आणि नाही नाही, आणि तुमच्याकडे जे ड्रायव्हर आहेत त्यांचे एनटी लायसन आहे आणि ट्रान्सपोर्टला टीआर लायसन लागतं. पहिलं तर तुमच्या गाडीचा टॅक्स नाही, इन्शुरन्स नाही, फिटनेस नाही. तुमच्या माहितीसाठी सांगतो की आमच्याकडे टिपरवाले जे आहेत असेल एक मिनिट असेल तर आता जाता तुम्ही डॉक्युमेंट दाखवा की या गाडीचे पेपर क्लिअर आहेत आता दाखवा. मित्तलला गाडी उभा आहे, त्या ड्रायव्हरकडे लायसन आहे. आणि विषय विषय जे राहिला विषय विषय जे तुम्ही सांगितलाय की आता की मला काय माहीत नव्हतं की तुम्ही बोलता की गाडीचे लायसन किंवा परमिट पेपर पेपर तर मी माझे जे वरिष्ठ आहे त्यांना सांगतो की गाड्यांचे पेपर क्लिअर करा. मी आता एक दोन दिवसात सांगणार आहे. दोन दिवस नाही आता पर तुम्ही जो बापू भाई जो मनसे के लोग हैं उनका कहना है कि अगर 50 गाड़ी चल रही है तो अगर एग्जांपल के तौर पर 50 गाड़ी चल रही है जिसमें से 30 गाड़ी जो है अवैध बता रहे हैं कि किसी का पेपर नहीं है, किसी का और कुछ नहीं है. सगळ्यात पहिलं तुम्ही सुपरवाइजर आहे, तुमच्याकडे किती गाड्या आहेत? माझ्याकडे सध्या गाड्याचं कॉन्ट्रॅक्ट माझ्याकडे नाही. पहिले सुपरवायझर तुम्ही आहे कसले? आमच्याकडे कसं आहे की माझ्यासारखे 22 सुपरवायझर आहे. कोणत्या डिपार्टमेंटचे सुपरवायझर? माझ्याकडे हे क्लीन करायचं. इथं तुम्हाला नोटीस आहे का की इथं कचरा टाकायचा? आम्हाला नगरपालिकेनं तात्पुरतं सांगायचं टाकायला सांगितलंय. टाकायचं आणि उचलायचं. त्याच्यामुळे ट्रॅफिक जाम होते, समोर आहे ना पब्लिक राहते त्यांना जर काय झालं तर जिम्मेदार तुम्ही तुम्ही जिम्मेदार नाही ते बघूया काय काय झालं तर जिम्मेदार तुम्ही. ऍक्सिडेंटला आम्ही स्वतः उभा इथं काय झालं तर जिम्मेदार तुम्ही का? चार वर्ष झालं आम्ही इथं करतोय. दोन मीटरवर राहतात लोक, ह्यांना काय झालं तर जिम्मेदार तुम्ही का? सगळ्यात पहिलं की एक लक्षात घ्या की ही जी कंपनी आली त्याच्यामुळं कचरा इथं पडतो. आम्हाला कंपनीशी हा कचरा इथे नाही लागला पाहिजे. आणि इथे जेवढ्या गाड्या आहेत या सगळ्या अनलिगल आहेत. तुमचा गाडी नंबर एक एक मी सांगतो. तुम्ही सुपरवायझर तुम्हाला माहित नाही, मला माहित आहे. तुम्ही दुसऱ्यावर ढकलता इथं वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटचे सुपरवायझर. गाडी नंबर MA01AP7047 अनलिगल गाडी आहे सर. त्या तुम्हाला माहित आहे त्याचं काय काय डॉक्युमेंट आहे? नाही का नाही माहीत सर? आणि सुपरवायझर आहे माझ्याकडची जबाबदारी आहे. याचा सुपरवायझर कोण आहे? तुम्ही ते तरी म्हणून आहे बोलून फायदा नाही. असं आहे तुम्ही एक लक्षात घ्या. तुम्ही काय करता ह्या सुपरवायझर त्या सुपरवायझरचं काम करणार? आता तुम्ही बोललात मी इथला सुपरवायझर आहे. मग तुम्ही मेन सुपरवायझर आहात ना? तुम्ही मॅनेजर आहात ना? तुम्ही आमच्याकडे तैरी म्हणून मॅनेजर आहे. तैरी म्हणून मॅनेजर आहे गाड्यांचं तो बघतो. आमच्याकडे टोटल 22 सुपरवायझर आहेत. प्रत्येक म्हणजे रीतीबंदरपासून प्रत्येक ठिकाणी प्रत्येकाला वेगळी वेगळी जबाबदारी आहे. बरोबर आहे. तुमचा जे मुद्दा आहे की बाबा 8-10 दिवसात इथे कचरा पडला नाही पाहिजे, ह्यो मी नगरपालिकेला आज तर नाही पण कदाचित उद्या चालू असलं तर मी जाऊन सांगू शकतो की बाबा जागा मला उपलब्ध करून द्या. ठीक आहे सर, तुम्हाला 10 दिवसाची मुहूर्त महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना देते. 10 दिवसाच्या आतमध्ये जर हा कचरा नाही झाला तर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना हा कचरा साफ करेल याची पण जिम्मेदारी आमची राहील. ठीक आहे, धन्यवाद. आणि पेपर गाड्यांचे पेपर जे लिगल गाडी आहेत कधीपर्यंत मी सांगणार? तुमचं जे निरोप आहे तुम्ही माझ्या वरिष्ठांना 100% सांगेन की गाड्यांचे जे तुम्ही कधीपर्यंत तुम्हाला भेटतो? 2-3 दिवस सांगतो ना. 5 दिवसाची तुम्हाला मुद्दत देतोय. 5 दिवसामध्ये जर झालं तर ठीक, नाही 6-व्या दिवशी आमचं आंदोलन असेल. मग ते तुम्ही करायचं का आम्ही करायचं ते आमच्या पद्धतीने करू. जो इलिगल गाडी चल रही है वो 8 दिन में बंद होना चाहिए. ज्या गाड्यांचे पेपर नाही, ज्या गाड्यांचे पेपर नाही सर्कल पासून ती गाडी पुढे येणार नाही, मग हे मनसे मनसेच्या पद्धतीने करेल. गाडी चलने नहीं देंगे. लेटर दिया है हमने. क्या बताएंगे अभी आप लोग का? इनका जो डिमांड है कि जो गाड़ी का पेपर नहीं है तो जो सेठ है या जो हमारा गाड़ी का सब संभालता है उसको बोलेगा कि भाई मनसे का आंदोलन आया था. उनका डिमांड ये भी है जो कचरा डाल रहे हैं तो इसके लिए मैं म्युनिसिपैलिटी से बात करेगा. क्योंकि देखो सबसे पहले एक बात याद रखो, ये कंपनी को 4 साल हुआ. पहले लक्षित किया 4 वर्ष चले.
चार वर्षापूर्वी क्रिस्टल होती, बापू साहब क्रिस्टल क्रिस्टल होती, एक मिनट है ना क्रिस्टल, मतलब क्या है बापू भाई, सुनो बापू भाई, अगर 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 पुराने से कोई रखता आ रहा है तो क्या वो खत्म नहीं होता होगा क्या? आपको जो बोलना चाहता हूँ, कोई जरूरी है रोड पे ही रखो कचरा? सुनिए कि पहला इधर क्रिस्टल था, उसके पहले पल्ले था, तभी से कचरा गिर रहा था। तो हाँ कोई भाई, मैं कह रहा हूँ कि कोई उसकी प्रथा तो नहीं चल रही ना कि ये कचरा वो वहाँ रखा जाए तो वहाँ रखेंगे हम। पहले सुनिए फिर बोलिए। ग्लोबल में था, अमृत नगर में था, मित्तल में था, हर जगह बड़ा बड़ा ढीक था, तो हमने सब जगह बंद किया। आप मेरे को बताओ किधर ऐसा है क्या? चालू मुंब्रा में रीति बंदर से ये छोड़ दो, एक अभी ये जो जगह है डीग नहीं है साहब, जेसीबी नहीं लगता है उधर, एक गाड़ी खड़ा रहता है उसमें लोग कचरा डालते हैं। और एक बात इसका तो मैं म्यूनसिपाली से बात कर लूँगा, क्योंकि ये कचरा भी मुंब्रा का है और ये कचरा डालने के लिए अगर कोई जगह दिया अंदर तो मसला है। सुना कि किस तरह से यहाँ पर आज मनसे के जो तमाम पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुँचे थे, वो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे क्योंकि ये जो कचरा यहाँ पर डाला जा रहा है, देखेंगे आप कितनी गंदगी है, ये मेन रास्ते पे ही ये कचरा यहाँ पर जो है लाकर डाला जाता है। इनका कहना है कि कलेक्शन पॉइंट बनाया गया है, यहाँ से फिर कचरा उठाकर ले जाया जाता है, जो गाड़ी लगाई जाती है, ये गाड़ी भी देखेंगे यहाँ पर भी जगह है, यहाँ पर ये गाड़ी लगाकर कचरा जो है इसमें भरा जा सकता है, लेकिन गाड़ी जो है वो मेन रास्ते पे यानी आधे रास्ते पे लगाया जाता है और थोड़ा सा ही रास्ता बचता है वहाँ पर जाने के लिए। अगर ऐसे में हादसे भी होते हैं तो इसकी जिम्मेदार आखिर कौन होगा? वहीं मनसे के आज तमाम पदाधिकारी यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, उनका साफ कहना है कि अगर 8 से 10 दिन में यहाँ से कचरा नहीं हटाया गया, जो अवैध तरीके से गाड़ियाँ चलाई जा रही हैं इसे नहीं रोका गया, तो वो अपने स्टाइल में इसका जवाब देंगे।